हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल। आज हम दाल वड़ा की रेसिपी देखेंगे। बहुत इजी है बनाने में और टेस्टी भी। यहाँ मैंने 2 कप चना दाल, इसे ओवरनाइट भिगो लिया था, और कुछ मैंने साइड में निकाल लिए हैं। तो यहाँ मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और अच्छे से उसे स्ट्रेन भी कर लेना है। यहाँ ऐसा दरदरा सा जो है हमें पेस्ट बना लेना है उसका। अब यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियंस ऐड किए हैं, जितने आप चाहें उतने ऐड कीजिए। स्प्रिंग अनियन में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। 2 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जो है हल्दी, नमक अपने स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़े से कोरिएंडर चॉप्ड, ये ऐड कर दिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं कितना थिक है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैंने बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियन काट के वो डाल दिया, और जो चना दाल हमने भिगो के बाजू में रखे थे थोड़े से, वो भी ऐड कर दिए। अब ये हो चुका है रेडी। अब हम देखेंगे कि ये शेप बन रहा है कि नहीं। देखिए शेप तो अच्छे से बन रहा है। इस तरह से हमें वड़ा बना के लेना है। अब एक एक वड़े को जो है हमें तेल में डीप फ्राई करना है। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म करने रखा था, तो बस मैंने वड़े डाल दिए फ्राई होने। अब इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों तरफ इस तरह से भूरा होने तक पका लेना है। एंड बस हमारे मसाला वड़ा या दाल वड़ा जो है एकदम रेडी है सर्व करने। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।